इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म भी कोई कोई बोलता है। तो इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ाई गई है। आपके एनसीईआरटी का हेडिंग देखोगे तो उन्होंने ऐसा लिखा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यह पढ़ाया गया, यह हेडिंग है एनसीईआरटी का, ठीक है, मूविंग चार्जेस। क्यों ऐसा हेडिंग लगाया उन्होंने हम बता रहे तुमको। तो यह चीज तुम जानते हो कि जब कोई चार्ज रेस्ट में है, क्यू एट रेस्ट, तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है। याद रखना, क्या बना सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़े हो पहला चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में, यही पढ़ाया गया था कि कोई भी चार्ज जब रेस्ट में है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर वही चार्ज चलने लगी, अगर वही चार्ज चलने लगी, पिछला चैप्टर भी पढ़ लिया तुमने, अगर वही चार्ज चलने लगी, एक्सेलरेशन मिनिमम बहुत कम, जीरो के बराबर, अगर ये चार्ज चलने लगी तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी। याद रखना, जब चार्ज चलने लगती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती है, क्या बनाने लगती है फिर अपने चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाने लगती है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तूने पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए चार्ज का, जीरो, और यहां पर एक्सेलरेशन नॉट जीरो, चार्ज एक्सेलरेट होना चाहिए। चार्ज में क्या होना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए, वेलोसिटी बदलना चाहिए, तब जाके वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है बच्चों, ओरेस्टेड, ठीक है। तो ओरेस्टेड नामक साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड नाम का शब्द इंट्रोड्यूस किया, और क्या कंक्लूजन उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट क्यू एट रेस्ट, 10 बार बताया जाता है, चार्ज रेस्ट में रहे, चार्ज रेस्ट में रहे तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मोशन में आ जाए, मोशन में आ जाए तो क्या प्रोड्यूस करता है, मोशन वाले चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जब करंट आ जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो चारों तरफ अपने, मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इस चैप्टर का कहीं कहीं हेडिंग होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करने से उसका मैग्नेटिक पावर बढ़ना। यानी कुल मिला के बात क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट जाएगा तो उसके चारों तरफ कौन सा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये पक्का है, सबको समझ में आ गया? तो मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बच्चा सवाल पूछा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी कि नहीं, तो नहीं, जब चार्ज चलने लगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, नहीं नहीं बनाएगी। क्लियर हो गया? मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, नहीं बनाती है। कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, रेस्ट। मूविंग चार्जेस क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। यह बात सबको समझ में आ गया? ओके, अगर इसमें एक्सेलरेशन होने लगेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएंगे, वो खैर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी आप अभी इस पर हैं। तो रेस्ट में चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज मोशन में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चलिए, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, चार्ज मोशन में आ गया मतलब करंट, एक करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसकी बात इन्होंने नहीं की थी। उसके लिए एक इस चैप्टर में एक लॉ बनाया, बायोट सावर्ट्स लॉ। क्या बना था बच्चों, बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट्स लॉ, क्या है बायोट सावर्ट्स लॉ? इन्होंने क्या बोला कि आपके पास कोई भी एक वायर हो, उसमें करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये बात किसने बोल दिया था, ओरेस्टेड ने ही बोल दिया था, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो ओरेस्टेड ने क्या बोला था कि जब भी आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब आपको चारों तरफ बनती है, अब आप कहीं पर भी इस मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो अगर आप चाहें तो। लेकिन इन्होंने एक, एक, एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, इन्होंने बोला कि पूरे कंडक्टर का तो मेरे को नहीं पता, हम एक छोटा सा टुकड़ा कंडक्टर का काट लेंगे, डीएल बोल के, सुनना ध्यान से। उन्होंने बोला कि एक छोटा सा हम कंडक्टर का टुकड़ा काटेंगे, डीएल क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंडक्टर।
क्यों उन्होंने डीएल लिया हम आपको ये भी समझाएंगे। तो एक छोटा सा टुकड़ा डीएल ले लिया उन्होंने, उसमें करंट भी जा रही थी, तो उसका नाम रख दिया उन्होंने आईडीएल। आईडीएल को क्या बोलेंगे हम लोग, याद रखना हर बार, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है? करंट एलिमेंट तो एक छोटा सा टुकड़ा कंडक्टर का जिसमें करंट हो, ठीक है। अब सवाल है छोटा टुकड़ा क्यों लिया, ये भी बताते हैं। तो ये करंट एलिमेंट इतना बड़ा नहीं होता, एकदम पॉइंट जैसा होता है, तुसा पॉइंट हमने बड़ा बनाया आपको दिखाने के लिए। तो इस करंट एलिमेंट से कुछ आर दूरी पे, देखो ध्यान से, करंट एलिमेंट से आर दूरी पे एक पॉइंट पी मान लो, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अच्छा क्यों माने, कोई सोचा सीधा क्यों नहीं माने, तो सीधा हमेशा थोड़ी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो एंगल हम मानना चाहते हैं, इसीलिए थीटा। अगर सीधा मानोगे, सीधा मानोगे तो क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, इधर इधर मानोगे तो नीचे आओगे तो बढ़ेगा एंगल, ऊपर जाओगे तो घटेगा। ये यहां पे आ जाओ, इस पे यहां पे पॉइंट, तो कितना एंगल हो जाएगा, जीरो। तो ये थीटा मानने से क्या फायदा होगा, अलग अलग पोजीशन। तो ध्यान से देखो, यहां पर थीटा जो है वो एंगल है, एकदम प्रेम पूर्वक देखना, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड जो आप छोटा सा एलिमेंट माने हो एंड डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर लिखिए। तो आर एक पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखेंगे आर क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर है। और ये भी करंट एलिमेंट भी एक वेक्टर हो गया, करंट एलिमेंट भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा अवे, ओरिजिन से अवे। तो ये ओरिजिन हो गया, कल से अवे, इधर डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। और आईडीएल का डायरेक्शन किधर लेते हैं हमेशा, करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी माना गया है, इसका डायरेक्शन हमेशा किधर लेंगे, टुवर्ड्स द करंट। इसका डायरेक्शन किधर लेंगे हमेशा, टुवर्ड्स द करंट, याद रहेगा डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स आई। और इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम कंडक्टर, क्यों वेक्टर माना उन्होंने ये भी समझाएंगे आपको, एक एक चीज समझाएंगे। अब यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक डिफरेंस दिखने वाला है, बड़ा जबरदस्त, ध्यान से सुनना, बाद में आप डिफरेंस भी लिख के लाना। एक चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, ये तो एक डिफरेंस हो गया, और चार्ज चलने लगी तो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज यानी मोशन में चार्ज, ठीक है, सुनना ध्यान से। तो हमने क्या किया, पूरे वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड एक बार में नहीं निकाल सकते हैं, तो एक छोटा सा टुकड़ा वायर का माना डीएल, ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो, नहीं निकाल सकते अपन। छोटा सा टुकड़ा हमने लिया डीएल, और डीएल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिए, और यहां पर एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल मतलब जो पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का इस डीएल एलिमेंट से वेक्टर बना लो, और डीएल के बीच का एंगल थीटा है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब आपका एलिमेंट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा, पूरे का मैग्नेटिक फील्ड पूरा बोलेंगे, छोटे से टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा। तो ध्यान सुनो, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये लॉ है, लॉ का प्रूफ नहीं होता है, बस ऐसे लिख दिए जाते हैं बता के डायरेक्टली, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्स लॉ, ओम्स लॉ वगैरह वगैरह, तो ये सबका प्रूफ नहीं है। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट, आईडीएल, क्या बोला इन्होंने, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड पी पे छोटे से करंट एलिमेंट आईडीएल के वजह से कितना होगा बच्चों, इन्होंने लॉ में बताया, ध्यान से याद रखेंगे, छोटा मैग्नेटिक फील्ड को डी भी लिख रहे हैं, बी इज सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा स्टर्ड लग रहा है, कोई कोई ऐसा बोलता बायोट सावर्ट्स लॉ से है, क्योंकि पहला लॉ बायोट सावर्ट्स लॉ है तो बी बना दिया हमने, ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है, बस आप माने कि बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक था, क्या था E, मैग्नेटिक फील्ड का क्या है B है, B वेक्टर क्वांटिटी है, तो DB जो होगा वेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा IDL के, करंट एलिमेंट के, मतलब करंट और लेंथ दोनों के प्रोपोर्शनल, ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आपको 10th में पढ़ाया गया कि वायर में जितना ज्यादा करंट डालेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब वायर जितना लंबा लोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसके साइन थीटा के बराबर प्रोपोर्शनल है, मतलब साइन थीटा 90 पे सबसे ज्यादा और 0 पे सबसे कम। मेरे हाथ को ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम इसके यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो सबसे ज्यादा, ऊपर ऊपर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटते 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 कितना हो जाएगा, 0, फिर ऐसे बढ़ेगा फिर घटेगा। साइन थीटा का वैल्यू याद है ना, साइन थीटा का वैल्यू याद है क्या, साइन थीटा यहाँ पे 0 से चालू होता है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री जब एंगल बनता है तो कितना हो जाता है वैल्यू 1, फिर 180 डिग्री होता है तो वैल्यू कितना 0, फिर नीचे आता है तो -1 फिर 0, तो उस हिसाब से चेंज होगा एंगल वाइज चेंज होगा। ओ और सब में प्रोपोर्शनल टू 1/r² है लगभग, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ हुआ, जिन सभी लॉ में ये आर स्क्वायर है उन सभी लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं ना, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ सुनो गए भाई, वो सारे लॉ जिसमें 1/r² इसको क्या पढ़ते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इन सबको मिला दिया गया, इन सबको मिला करके क्या बनाया गया, डीबी प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और यहां पर लगाया गया कॉन्स्टेंट, अब इस कांस्टेंट का वैल्यू निकाला गया, तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग आता है, तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ध्यान से सुनिए, वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू बच्चों म्यूनट बाई 4π आया SI सिस्टम में, तो फिर से नया प्रकट हो गया सिंबल म्यूनट, इलेक्ट्रिक पूरे चैप्टर में क्या चला था एप्सिलॉन नॉट, हम यहां पे म्यूनट चलेगा एडजस्ट करें, तो हर चैप्टर में एक एक कांस्टेंट लिया गया है जो मीडियम पे निर्भर करता है, तुमको अगर याद नहीं है तो हम याद दिलाते हैं। पूरे लाइट में लिया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या सिंबल था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, नल्ली में कूद जाओ, म्यू, क्या सिंबल था म्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मिला है, तो वो एक कांस्टेंट डाला गया हर फॉर्मूले में, तुम देख लो लेंस मेकर फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला देखोगे उसमें है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, म्यू है लगभग, है कि नहीं है। तो लाइट चैप्टर में मीडियम पर डिपेंड करने वाला एक कांस्टेंट डाला गया म्यू, मतलब कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैल्यू, मतलब एक ही जैसा वैल्यू हर जगह नहीं आ सकता ना। इलेक्ट्रिक चैप्टर में डाला गया कि अगर आप चार्ज को रखोगे हवा में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा, पानी में ले जाओगे तो अलग आएगा, गैस में ले जाओगे तो अलग आएगा, कांच में ले जाओगे तो अलग आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम एक कांस्टेंट डाले वहां पे भी अलग अलग मीडियम के लिए, क्या नाम था उसका, एप्सिलॉन नॉट, क्या नाम था एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का नाम नहीं पता, उधर नाली है बगल में मोटा वाला, एप्सिलॉन नॉट का नाम था एब्सोल्यूट, बताओ आगे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पर गए, एप्सिलॉन नॉट का नाम नहीं पता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये एयर के लिए था, और दूसरे मीडियम के लिए क्या डाल देते हैं हम लोग एप्सिलॉन आर या के, के को बोलते थे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर एप्सिलॉन आर लिखे हैं तो क्या पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ये कांस्टेंट किसके लिए डाला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी किसी भी चार्ज के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, उसके वैल्यू को चेंज करने वाले फैक्टर का नाम क्या था परमिटिविटी, क्या नाम था परमिटिविटी। अब मैग्नेटिक चैप्टर में एक नया कांस्टेंट डाला गया, इससे भी ये बात साबित होती है कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग मैग्नेटिक पावर होता होगा, बिल्कुल होता है अलग अलग,
तो उसको डाला गया म्यू नॉट, और म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमीएबिलिटी। अब देखो तो और एक नया नाम आ गया ये सीजीएस सिस्टम में। देखो तो सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू 1 है और एसआई सिस्टम में के का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहां रख दो तो डीबी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब याद कर जाए तो सेम टू सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वे, बस यही उठ के कहां चला गया? ऊपर। बस अच्छा, अब ऊपर जाने से पूरी बहुत सारी पिक्चर बदल जाएगी, कैसे सुनते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिवाइड में है ये कांस्टेंट, डिवाइड में है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग मीडियम में कम होती थी, जैसे सबसे ज्यादा कहां? हवा में। पानी में गई तो क्या हो गई? 80 गुना कम हो गई। कांच में गई तो 6 गुना कम। ऐसे सब मीडियम में कम होता था, कहीं बढ़ता था क्या? लेकिन ये तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, यानी दूसरे मीडियम में जाने पे मैग्नेटिक पावर क्या होगी? हवा से बढ़ेगी। नहीं समझा सर? अरे यार बेकूफो, तुम याद करो, तुम्हारा कॉपी में होगा, पढ़ो कि किसी भी दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाई के। ये पढ़ाया गया होगा, किसी भी दूसरे मीडियम में जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाएगा। के क्या है? उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे पानी में गए तो 80 गुना फोर्स घट गया था, ये तो याद ही होगा सर। बट मैग्नेटिक फील्ड घटने वाले में से नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड किसमें से है? बढ़ने वालों में से है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। उसी तरह आप याद करो लाइट चैप्टर, लाइट चैप्टर में जो म्यू था वो भी डिवाइड में आता है। वो क्या करता है? लाइट का स्पीड दूसरे मीडियम में कम होता है, बढ़ता नहीं है, सबसे फास्ट हवा में। बस यही एक बढ़ाने वाला है, यानी ये बात तुमको समझना चाहिए कि दूसरे मीडियम में जाने पे मैग्नेटिक पावर क्या होगी? बढ़ेगी। दिमाग में गांठ बांध लिए, सबसे कम मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म कब दिखता है? हवा में। सबसे कम मैग्नेटिक पावर कब है? हवा में है। दूसरे मीडियम में जाने पे वो बढ़ेगी। अभी आगे और चर्चा होगी कैसे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी। तो ये के का वैल्यू डाल दिए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकला। बस क्या निकला इसमें? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं निकला, मैग्नीट्यूड निकला है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा जो लिए थे उसके वजह से। कौन सा छोटा टुकड़ा है? डीएल, आइडियल भी बोल सकते हैं। ये छोटा टुकड़ा की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड है। बस ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, स्केलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ये स्केलर फॉर्म, और ये गलत है, फिजिक्स के हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, वेक्टर के फॉर्मूले में इधर कोई ना कोई क्या होना चाहिए? वेक्टर कहां है? है ही नहीं, आप वेक्टर बना के दिखाई नहीं कहीं भी। तो ये गलत है अगर फिजिक्स के लैंग्वेज से देखो तो, क्योंकि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे कूलम्स लॉ पढ़े, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, बाद में याद तो होगा नहीं, पूछ के बेइज्जती मेरा ही हो जाएगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, उस तरह इसको भी वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। अभी रुक जाए एक मिनट, अब हम आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे थे, सुनो। क्या इंपॉर्टेंट चीज था? कि हमने यहां एक चार्ज रखा, अब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालो। मान लो इस चार्ज से 2 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कितना आएगा? E। अच्छा यहां पर भी निकालो तो कितना आएगा? E ही आएगा। यहां पर भी निकालो तो कितना आएगा? E आएगा, E आएगा, सब जगह ही। मतलब चार्ज रखने पे चारों तरफ फिक्स दूरी कर लो, ऐसा गोल घूम जाओ, स्फीयर, गोला। तो याद होगा पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाया जाता था? स्फीयर। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाते थे हम लोग? स्फेरिकल बनाते थे। मतलब पॉइंट चार्ज से आप यहां ले लो, 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 सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? सेम, दूरी सेम रखना बस। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था याद करो ना भाई, क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम क्यू चार्ज और अपॉन दूरी। चार्ज पे निर्भर करता था और दूरी पे निर्भर करता था। एंगल पे डिपेंड करता था क्या? नहीं। यहां चार्ज रखे, यहां से यहां पे आ जाओ, अगर मान लो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम, तो यहां भी 1 न्यूटन पर कूलम। दूरी मत बदलना बस, गोल 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 हर जगह 1 न्यूटन पर कूलम 1 न्यूटन। यहां लफड़ा है देखो, तुम यहां पर तुम एक छोटा एलिमेंट लिए,
छोटा एलिमेंट लिए, उससे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग 90 पे सबसे ज्यादा, एंगल चेंज करोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। साइन थीटा आ गया ना, अभी सिखाया था ना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना जीरो, फिर यहां पे बढ़ते 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 फिर माइनस वन, नहीं माइनस वन साइन 90 जीरो गलत लिख दिया था क्या हमने, यहां जीरो लिखे थे ना, फिर यहां ऊपर में वन, फिर इधर जीरो, तो बराबर इधर जीरो, फिर नीचे में माइनस, यानी तुम देखो अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है अलग अलग। तो ये एक डिफरेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे डिपेंड करता है, और आप एंगल बदलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। क्लियर हो गया इतनी बातें। अब हम समझा सकते हैं कि डीएल क्यों लिया इन्होंने। देखो मान लो कि हम यहां से यहां तक का वायर ले, तो यहां से एंगल अलग बन रहा और यहां से एंगल अलग बन रहा, एंगल चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा, तो क्या हम पूरे वायर का एक साथ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग एंगल है, तो फिर साइन थीटा नहीं मान सकते, हर टुकड़ा अलग अलग एंगल बना रहा है। देखना ध्यान से, यहां अगर हम डीएल लेंगे तो अलग एंगल आएगा, यहां डीएल लेंगे तो अलग एंगल आएगा, यहां डीएल लेंगे तो अलग, हर जगह एंगल अलग अलग है, तो क्या पूरा एक साथ निकाल सकते थे क्या ये बायो सावर्ट्स में? नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते पूरा एक साथ बताओ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन एंगल। तो आपके पास कारण आ गया कि डीएल क्यों लिया गया, सबको कारण समझ में आ गया, बिकॉज वो एंगल पे डिपेंड करता, पूरा एक साथ लोगे तो अलग अलग एंगल सबटेंड करता है हर टुकड़ा वायर का, तो हम पूरा नहीं ले सकते, हम एक पॉइंट की बात करेंगे। समझ में आ रहा है? ये इतना बड़ा नहीं है, ये एक पॉइंट है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होते कि डीएल के नीचे से एंगल लेना है कि ऊपर से। अरे यार डीएल एक पॉइंट जैसा है, डीएल एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट पे तो सीधे जोड़ेंगे ना अपन, कोई पूछे यहां एक पॉइंट यहां एक पॉइंट एंगल बताओ, ये जोड़ दो, ये लो एंगल बन गया, ठीक है। तो एक डीएल क्यों लिया गया आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सब डीएल के कारण, तो सभी डीबी डीबी को निकाल के जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, यानी इंटीग्रेशन करेंगे, आपको ही पता है, पर डीबी पता है, बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये तो मैं इतना तो फिर सबको आता है, डीएक्स दिया है और एक्स चाहिए तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन, डीडब्ल्यू दिया है बहुत बार किए होंगे तुम, और डब्ल्यू निकालना है टोटल वर्क डन, क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं ले। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि स्मॉल एलिमेंट डीएल क्यों लिया गया, क्यों नहीं पूरा वायर का एक साथ मैग्नेटिक फील्ड बता दिया उन्होंने, बता भी नहीं सकते हो, हर टुकड़ा अलग अलग एंगल बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे डिपेंड करता है, आप इस बात को कहीं भी नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की, इधर का नोट कर लिया आपने मिटा दे, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों डायरेक्शन की, भाई इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, नोट कर लिए क्या बच्चों, जल्दी बताओ, चलिए। तो आपको म्यूनट की हमने वैल्यू बता दिया, म्यूनट का नाम क्या है ये जरूर लिखे लॉ के बगल में, वेयर जहां पे म्यूनट क्या है, नहीं लिखोगे मार्क काट लेगा कोई भी, म्यूनट अपने मन से डाल दिए तुमने, म्यूनट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अंतरिक्ष का और हवा का, इसका वैल्यू इतना है। अब म्यूनट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होगा, डिवाइड कर देंगे तो 10 का पावर -7, ये पूरे का वैल्यू कितना है 10 का पावर -7। चलिए अब इधर आ जाते हैं हम लोग, ध्यान दें, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, ध्यान दे दो, डीबी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर आप वेक्टर का साइन लगाएं, म्यू नॉट और 4 पाई स्केलर है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, आईडीएल वेक्टर है, याद है ना आईडीएल वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है, और साइन थीटा, और एक आर स्क्वायर है, तो अपने मन से एक आर आर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, आर क्यूब इंटू आर, क्योंकि ऐसा हम लोग बनाने वाले हैं एक फॉर्मूला, देखो इधर ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, तो अभी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए है मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, अब हम इसको साइन थीटा लगाएंगे, ए देखो ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी, क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, तो ध्यान से समझना, तो डी बी को हम लोग बनाने वाले हैं वेक्टर, अभी ये स्केलर है, अभी इसका क्या है बस मैग्नीट्यूड है, अभी वेक्टर बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई ए क्रॉस बी, ये ए है ये बी है, तो ऐसा हो गया आई डी एल क्रॉस आर,
क्या हो गया आई डी एल क्रॉस आर, याद रखना आई डी एल, इसमें डीएल वेक्टर है, आई नहीं है, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, और यहां वेक्टर लगा दो, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। कैसे? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, एक वेक्टर ही आता है। अच्छा एक बात आपको और समझना चाहिए, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इन दोनों वेक्टर के कैसा होता है, परपेंडिकुलर, कैसा होता है हमेशा परपेंडिकुलर। तो चलिए निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ डीबी, तो डीबी के डायरेक्शन निकालने के दो रास्ते हैं, देख लो दोनों सीख लेना। इधर देख रहे पहला आप एक डीएल मानते हो छोटा सा, याद है आई डीएल इधर की तरफ, और दूसरा आप आर मानते हो, याद है। अब आपको क्या करना है, देखो डीएल क्रॉस आर करना है, दो क्रॉस वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के आपको सिखाया गया है रूल। देखो क्या करो, डीएल क्रॉस आर, डीएल की तरफ हाथ कर लो, आर की तरफ क्रॉस करो, डीएल की तरफ हाथ कर लो, आर की तरफ क्रॉस कर लो, आर की तरफ क्रॉस कर लो, डीएल की तरफ हाथ करो, आर की तरफ क्रॉस करो, तो कैसा अंगूठा बता रहा, अंदर, तो वो डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इस डायरेक्शन कैसे निकलता है, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है, दो तरीके आपके पास, ये राइट हैंड थंब रूल नहीं है, ये हम लोग क्रॉस का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी। अब राइट हैंड थंब रूल कैसा है, आप सुने, करंट की तरफ अपना अंगूठा कर ले, होल्डिंग ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। फिर से करंट की तरफ अंगूठा कर ले, शायद कुछ लोगों को नहीं आता होगा, टेंथ में तो पढ़ाया गया था, जिधर करंट जारी उधर आप क्या कर ले, अपने हाथ का अंगूठा बना ले, तो आपका फिंगर्स जिधर फोल्ड होंगे बच्चों वो किसका दिशा बता देगा, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर हो गया, थंब को करंट की तरफ करें तो फोल्डिंग ऑफ फिंगर बता देगा, ये राइट हैंड थंब रूल, ये आसान है लगाना, ठीक है। तो देखो 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 ये करंट हाथ कहां जा रहा, ऐसा, कोई कोई इसको ऐसे भी समझाता है कि आप अपने हाथ में पेन रखो, अपने हाथ में एक पेन रखो तो हमें थैली की तरफ हमेशा मुंह, ये पेन मैग्नेटिक फील्ड है, करंट को अंगूठा में कर लो, ये देखो कहां जा रहा है, ये पेन, पेन कहां जा रहा है, बोल नहीं रहा, अच्छा अंदर तो बोल, गूंगी है क्या, पेन कहां जा रहा, अंदर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर था, अंदर को क्रॉस से दिखाया जाता है, अंदर को कैसे दिखाया जाता है, क्रॉस, और बाहर को कैसे दिखाया जाता है, डॉट, अंदर को कैसे दिखाया जाता है, क्रॉस, और बाहर कैसे दिखाते हैं, डॉट, तो क्रॉस हो गया, तो यहां पर इनवर्ड हो रहा है, ये जो डायरेक्शन आप डायग्राम बनाए थे वहां पर ऐसा क्रॉस डीबी लिख देना, यानी पता चलेगा डीबी का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड। क्लियर है, क्रॉस और डॉट याद रहेगा, क्रॉस साइन किसके लिए यूज होता है, इनवर्ड के लिए, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, याद रखें, और डॉट साइन किसके लिए यूज होगा, आउटवर्ड। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। देखो एक तीर बनाओ, तीर समझता है, तीर देखियो, कभी तीर देखिए, तीर ऐसे चला दिए, अब जब तीर सामने से आएगा तो तुमको क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा, क्रॉस दिखेगा, सोचो तीर का बस ये नुकीला पार्ट दिखेगा आपको, ऐसे बुंदू, तो ये डॉट दिखेगा, डॉट का मतलब तीर कहां आ रही है, बाहर। क्लियर हो गया। अच्छा तीर जब अंदर जा रही है तो हम पीछे से देखेंगे, पीछे से पताखा बना होता है तीर में जिसको हम फंसा के मारते हैं, तो कैसा दिखेगा तीर जाते समय, क्रॉस, तो तीर कहां जा रही है, अभी याद हो गया ये, तो ये दो ही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, या तो डॉट या तो क्रॉस, क्यों, क्योंकि देखो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड करंट और डीएल के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड करंट और डीएल के परपेंडिकुलर होगा, बताओ क्यों होगा, क्योंकि ये पढ़ाया गया है तुमको कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा ए और बी जिस प्लेन में आता है उसके परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया, ये हमेशा ध्यान रख सकते हो, आप चाहो तो ये सब छोटी बातें लिख सकते हो कि जो भी डीबी का डायरेक्शन है हमेशा आई और डीएल के परपेंडिकुलर होता है, डीएल और आर के। चलिए तो डायरेक्शन निकालने आ गया आपको, निकलने आ गया क्या कि नहीं आया, बताओ, अगर वायर ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहां पे बताना है, बताओ जल्दी, ऐसा हाथ करो, करंट की तरफ अंगूठा करो, टुक, करंट की तरफ अंगूठा करो, टुक, बताओ यहां पे क्या बनाएंगे, क्रॉस की डॉट,
क्रॉस की डॉट, ऐसे हाथ करिए और अंदर देखिए कैसा है, क्रॉस है कि डॉट है, अंदर है, अंदर है मतलब क्रॉस। अच्छा, और यहां पर पूछे हमने, यहां पर तो देखो, ये देखो, देखो देखो देखो, ऐसे गया हाथ और ऐसे बाहर आई, मुड़ना, देखो हाथ मुड़ती है ना ऐसे, समझना। मैग्नेटिक फील्ड के दो दिशा होते हैं, हर जगह अलग अलग होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गोल चलता है, फील्ड लाइंस गोल चलते। तो अगर हम यहां डायरेक्शन पूछे तो इनवर्ड, और यहां हाथ घूम के ऐसे बाहर आई, नहीं तो तुम वहां पे काम करो, ऐसे करो अंगूठा, देखो यहां हमने सबसे बेस्ट आइडिया तुमको बताया था, बेस्ट आइडिया इज माय आइडिया, ये अंगूठा एक पेन लगा के रखो तलहत्थी की तरफ पेन, ये देखो अब ऊपर चाहिए, ये देखो जहां चाहिए वहां पे पेन एकदम रेडी रहेगा, कहां रहा आउटवर्ड, यहां पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्या नहीं हुआ, हुआ बे बता बरा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, बता जल्दी ए पॉइंट पे करके तो दे, कैसे देख के बता देगी क्या तू, बहुत ज्ञानी हो गई है, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बताओ रे, ठीक है इतना समझ में आ गया सबको, डायरेक्शन क्लियर हो गया, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई डीएल और आर, डीएल और आर जिस प्लेन में उसके या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा, ओके हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत यूज है इसका, बहुत यूज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलता था, बहुत आसान था, प्लस से माइनस खत्म, या जिधर फोर्स लगता था उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए कोई रूल की जरूरत नहीं है, याद रखना मैग्नेटिक चैप्टर में द बिगेस्ट हर्डल फॉर द स्टूडेंट्स आर डायरेक्शन, सबसे बड़ा रुकावट यहाँ डायरेक्शन होता है, क्यों, यहाँ पे हर चीज का डायरेक्शन के लिए एक रूल है, कोई भी चीज का डायरेक्शन तो अपने मन से नहीं निकाल सकते, टॉर्क पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, मैग्नेटिक चैप्टर में फोर्स पढ़ेंगे अभी हम लोग, लॉरेंट्ज़ फोर्स, सबके लिए एक रूल बना दिया हमने, याद रखना तुम पढ़े हो ना ऐसे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये सब मैग्नेटिक चैप्टर में मिला होगा टेंथ में, याद है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सब कहां मिला था याद करो, मैग्नेटिज्म राइट हैंड थंब रूल, तो जितने सारे रूल है सब इधर ही है, और ऑल रूल्स आर यूज टू कैलकुलेट द डायरेक्शन नॉट द वैल्यू, वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान रखिए आप डायरेक्शन के लिए बड़ा सीरियस रहे, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं समझेगा तो आपको अच्छे सवाल कभी नहीं बनेंगे। चलिए तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, अब मान लीजिए हमने बोला बायो सावर्ट्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, क्वेश्चन आता है राइट राइट बायो सावर्ट्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी तुमको याद होगा वेक्टर क्वांटिटी था जे, इसको याद है करंट डेंसिटी जे, जे के फॉर्म में, तो आसान है ध्यान दे दो, जे क्या होता है, जे करंट डेंसिटी आई बाई ए, करंट अपॉन एरिया, अब हमको यहां पर आई डीएल है तो आई डीएल इसमें डीएल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऊपर भी डीएल नीचे भी डीएल, ऊपर नीचे आई डीएल मल्टीप्लाई कर दी, अब बता देखना क्या एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है डी भी, स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ पढ़े होगे ना तुम बचपन से, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में तीन चीजें होती है लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट को भी एरिया बोलते हैं हम, एरिया तो कोई भी दो साइड को मल्टीप्लाई करके बोलते हैं। तो अब यहां से आप आईडीएल का वैल्यू निकाल के वहां पुट कर सकते हो, आईडीएल इक्वल टू जे इनटू डीवी, जहां पे जे वेक्टर क्वांटिटी, यहां डीएल था, चलो रखो, तो देन मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना, बायो सावर्ट्स लॉ आ जाएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई, अरे यार क्या लिखा, आईडीएल, देखो आईडीएल के जगह क्या डाल दो, जे इंटू डीवी, तो जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में रखते हैं, अपॉन आर क्यू इंटू डीवी होगा क्या, देखो तो कैसे डीएल वेक्टर है तो उसके जगह जे वेक्टर डाल दिए और आई की जगह क्या डाल दिया डीवी, तो ये बायो सावर्ट्स लॉ इन किस फॉर्म में हो गया, ये किस रूप में हो गया भाई, करेंट डेंसिटी के फॉर्म में। अब मान लो आपसे पूछे वेलोसिटी और चार्ज के रूप में लिखे,
इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और वेलोसिटी के फॉर्म में लिखो, तो लिख देंगे क्या चार्ज और वेलोसिटी के फॉर्म में, बताइए। बिल्कुल लिख देंगे, कैसे 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 कैसे, देखो आईडियल की बात करते हैं हम लोग, आईडियल ही चेंज होगा। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I बाई आई इक्वल टू हो जाएगा Q बाई डी टी, डी टी स्मॉल टाइम। अब देखो dl बाई डी टी बताओ क्या होता है, dl यानी लेंथ अपॉन टाइम, बताओ क्या होता है वेलोसिटी dv, ये स्मॉल ये भी स्मॉल, पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, होता है कि नहीं होता है जल्दी बताओ, बस तो काम बन गया अपना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, डी भी नहीं होगा, वी होगा ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पढ़े होगे क्या होता है डीएक्स बाई डी टी, यहां डी लगता है क्या, नहीं डीएक्स बाई डी टी, ओके तो ये आ गया डी भी वेलोसिटी वेक्टर, बस ये पुट कर दो, यहां पर डीएल वेक्टर था वहां वो वेक्टर है, तो डी भी इक्वल टू क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, वेक्टर फॉर्म में चल रहा म्यू नॉट बाई फोर पाई, आई के जगह पर क्यू लिख दो और dl के जगह पर वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको 12 कितने सारे रूप दिखा दिए, अलग अलग रूप प्रकट किए हैं, बट आपको याद यही रखना है, ठीक है, सब याद नहीं रखना है, बनाना सीख सकते हैं। हमको करंट डेंसिटी चाहिए तो j का फॉर्मूला लिख दिए, हमको चार्ज चाहिए तो चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया, आई dl इक्वल टू क्यू बाई डी टी, ठीक है, चलो नोट कर ले करना है तो। बड़ा इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर, प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, सीसीसी लिखे क्या, सीसीसी बार बार लिखेंगे हम लोग, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट वाला वायर, मतलब मेरे पास एक वायर है, यहां पर तुम आईडियल माने, कहीं भी मान सकते हो आईडियल, आपको छूट है आईडियल माने, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाएगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, बताया था हमने अभी, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कब बनाएगा, जब R और DL के बीच कितने का एंगल हो 90, R और DL के बीच कितने का एंगल हो 90, तो उस जगह पर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम, कहां होगा मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड होगा क्रॉस लगाते जाओ, समझ रहा है ना, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू क्या हो 90 डिग्री, मतलब DL जो होना चाहिए वेक्टर वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किससे, आर वेक्टर के, देख लो क्लियर हो गया, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा, डीबी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, कितना होगा बताइए, कितना होगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डीएल, साइन थीटा नहीं लिखेंगे, साइन 90 कितना हो जाएगा वन, आई डीएल साइन थीटा वन हो गया बाई आर स्क्वायर, तो हम लोग यही यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को वैल्यू चाहिए डीबी का, डायरेक्शन चाहिए तुमको, नहीं डायरेक्शन तो हम खुद ही निकाल लेंगे ना, कि फार्मूला से डायरेक्शन चाहिए, अगर आपको फार्मूला से चाहिए तो ए क्रॉस बी वाला यूज करो, फिर फार्मूला से आंसर में डायरेक्शन भी आएगा मैग्नीट्यूड भी आएगा, लेकिन ये बेवकूफी वाला काम लगता है, तो आप इसको यूज करें, वैल्यू निकाले, डायरेक्शन अपने अंगूठे से निकाल ले, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं मिनिमम, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई सीसीसी, ठीक है, सीसीसी यानी ये करंट कैरी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर,
बार बार नहीं लिखेंगे, अब सुनो। मतलब मेरे पास एक वायर है, ध्यान से सुना, इसमें करंट जा रहा आई, आई भूल गए लिखना। अब स्मॉल एलिमेंट आप डीएल भी माने यहाँ पे, ये सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड कब बनाएगा, जब थीटा 0 डिग्री हो या थीटा कितना हो 180 डिग्री। तो मैं बचपन में कहावत सुने हो क्या, दिया तले अंधेरा, सुने हैं दिया तले अंधेरा, इसका क्या मतलब होता है कि जो सबको रोशनी दे रहा है उसके खुद के पास में अंधेरा है, वही कहावत यहां लगेगा। देखो कैसे ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा चारों तरफ, थीटा 0 मतलब कहां पे, यहां पे, नहीं समझा, समझा नहीं होगा, देखो बहुत चट लोगों को, ये है आर, ये टुक 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 टुक, देखो यहां से ये घूमते 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 कहां आएगा, यहां आएगा तो 0, और फिर ये घूमते 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 कहां आएगा, नीचे, तो कितना एंगल 180, समझ में आ रहा है। तो ये 0 और ये 180, मतलब इस पॉइंट पे ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट पे 0, मतलब इस वायर पर, वायर खुद पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाता है, वायर अपने करंट के वजह से अपने ही ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है। दिया तले अंधेरा याद रहेगा, मतलब सबको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है चारों तरफ, लेकिन जहां पे अपने ऊपर की बारी आ रही है तो नहीं देना, अपने नीचे पे बारी आ रही नहीं देना मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहे। तो थीटा 0 रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मिनिमम, यानी वायर खुद पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाता है। सबको समझ में आ गया, अगर पॉइंट कंडक्टर पे लाई करेगा, यहां पे लिख सकते हो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड या नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट ऑन कंडक्टर इटसेल्फ, खुद कंडक्टर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं बनाएगा, खुद अपने ऊपर नहीं बनाएगा, बराबर है ना। अपने अपने ऊपर कोई कानून लोग नहीं लगाता, दूसरे को बड़ा ज्ञान देते हैं ऐसा वैसा, अपना तो पहले सुधरे नहीं, तो वही है, खुद पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगा, सब पे लगाएगा ये, और ये मैक्सिमम कब लगाएगा, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर बायो सावर्ट लॉ, कंडीशंस टू यूज बायोट सावर्ट्स लॉ, तो पहला कंडीशन है कि ये लॉ तभी लगेगा जब आपका हर जगह करंट सेम रहे। ओ यानी का मान लो करंट बढ़ गया रास्ते में या घट गया, वेरिएबल करंट है तो ये लॉ काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, समझा बे। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल इफ, यहां लिख देते हैं पहले पॉइंट में, दिस लॉ इज एप्लीकेबल इफ, यदि करंट इज सिमेट्रिकल इन कंडक्टर, कंडक्टर में करंट हर जगह क्या है बच्चों, सेम है तब लगेगा, ठीक है। इस लॉ को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो, मतलब प्रूफ नहीं कर सकते, अब अगर देखोगे इसको कंपेयर करके तो कूलम्स लॉ जैसा ही दिखेगा, बस एक चीज अंतर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, सिमिलर टू कूलम्स लॉ, बट डीबी डिपेंड्स ऑन एंगल, डीबी कहाँ पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ओके। उसके बाद डीबी जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जब से हम बोल रहे थे डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, दोनों दोनों के, किसके, डीएल के भी और आर के भी, बताया था ना हमने,
आर और डीएल जिस प्लेन में, देखो आर और डीएल कहाँ है, ऐसे ऐसे आर ऐसे डीएल, थोड़ा सोचो, देखो बता रहा है आर ऐसा डीएल ऐसा, डीबी कहाँ है रे अंदर, मतलब मतलब इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी, क्लियर है, ये सारी बात हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन दिस एंड कूलम्स लॉ एंड डिफरेंस बिटवीन दिस एंड कूलम्स लॉ, जल्दी नोट करें सिमिलरिटीज, सॉरी कि बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ऐसे दो बार लिखना अच्छा नहीं लगेगा, सिमिलरिटी है ना, तो दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, कैसा लिखा जाए सिमिलरिटी, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए ना, क्या लिखना चाहिए, ऐसे डिफरेंस लिखना चाहिए, तो डिफरेंस ही कर लेते ना पहले, चलिए डिफरेंस कर लेते हैं। बार्स-सावर्ट्स लॉ यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यूज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसके लिए कैलकुलेट होगा बताइए, यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम आपके लिए दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं, देखो इसका फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, कोई बोलेगा सर ये तो कूलम्स लॉ है, एक झापर मारेंगे बस, यही कूलम्स लॉ है, फोर्स बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो बात एक ही है, नहीं अरे फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है कि नहीं, एफ बराबर क्यू वन क्यू टू था, क्यू इंटू ई, एफ को हमने ई लिख दिया, क्लियर है, और बार्स-सावर्ट्स लॉ तो आपको अभी मिला होगा डी बी। दूसरा पॉइंट ध्यान दो, दूसरा पॉइंट ध्यान दे, ये स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस होता है, इट इज नहीं सॉरी पहले इसकी बात कर लेते हैं, इट इज प्रोड्यूस बाय स्केलर सोर्स, स्केलर सोर्स यानी इसको उत्पन्न करने वाला चार्ज है स्केलर है, चार्ज स्केलर है ना, इसमें सुनो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स, को बोला करंट क्या, नहीं करंट तो वेक्टर नहीं है, वेक्टर सोर्स है आईडीएल, पता है ना आईडीएल क्या है, करंट एलिमेंट वेक्टर, ये स्केलर सोर्स बनाता है और ये कौन बनाता है, वेक्टर सोर्स बनाता है, तीसरा बताइए, अगला सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन joining point and charge, मतलब R और Q के parallel लगता है electric field, नहीं समझा होगा, मोड़ लो, देखो यहां चार्ज Q रखे, यहां पे कुछ दूरी पे पॉइंट P है, ये दूरी R हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे लगेगा अगर रिपेल कर रहा है तो, या तो अट्रैक्ट कर रहा है तो ऐसे लगेगा, प्लस है तो रिपल्सन करेगा, माइनस है तो अट्रैक्शन करेगा, मान लो माइनस क्यू चार्ज है, मान लो माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको खींचेगी अपनी तरफ ऐसे, तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं लग रहा है, या तो ऐसे परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, समझ रहा रे, ये जो चार्ज है और ये जो पॉइंट है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन, अलोंग मतलब के तरफ, किसके तरफ, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड चार्ज, पॉइंट और चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है उसके तरफ लगता है, तरफ मतलब ऐसे या ऐसे, उसी के तरफ है, परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें क्या होता है, देखो तो किसका मोबाइल माइक चालू है रे, देखो तो कैमरा भी ऑन है, किसका देखना नाम, वो सो रहे हैं क्या, अच्छा सब चालू है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर, यही तो 100% की बात है, अभी बता रहे थे ना 10 बार, परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू आई डी एल एंड आर। समझा क्या भाई लाइन लड़की? जैसे देखो ये वायर है, यहां पर आई डी एल है और ये आर है। क्या ये ऐसे या ऐसे लग सकता है जैसे ये लगा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड या इधर अट्रैक्ट रिपेल? नहीं। कैसे लगेगा हमेशा ये? कैसे लगेगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर, या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड। समझा कि नहीं समझा? या तो ये ऐसे परपेंडिकुलर है, देखो बाहर, ये देखो परपेंडिकुलर। समझ रहा है? मुंडी लाली में मुड़ गए जैसा खाली। चौथा, चौथा डिफरेंस ध्यान से सुनेंगे। देखो जैसे ये चार्ज है तो चार्ज से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे डिपेंड नहीं करता था। अभी हम बताए थे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, चारों तरफ क्या आएगा? सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट डिपेंड ऑन एंगल। एंगल पे डिपेंड नहीं करता, मतलब यहां पे एक चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मान लो आर दूरी पे, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। अगर आप दूरी चेंज नहीं करोगे हर जगह ई होगा। लो अपनी तो जैसे तैसे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। कुल मिलाकर पूरे गोले में सेम होगा। क्लियर है? ऐसा यहाँ चार्ज रखो तो यहाँ यहाँ हर जगह पूरा स्पीयर, सोचो फुटबॉल जैसा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड का परा लोग चाहे सेम ही रहता है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एंगल। अभी आपको बताया था साइन थीटा पे पूरी कहानी डिपेंड है। देखो ये वायर है आईडीएल, अब इस वायर से जब परपेंडिकुलर में चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, डीवी मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। यहां बीच में घटते 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 यहां पर डीवी कितना हो जाएगा बताओ? जीरो। यहां ऊपर में कितना? जीरो। अच्छा यहां पर आ जाओगे तो फिर कितना मिलेगा डीवी बताओ? मैक्सिमम। और नीचे आ जाओगे तो डीवी कितना बताओ? जीरो। पूरी कहानी किस पर डिपेंड है? साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहां वन, यहां जी, अरे रे हाँ सही है ना, 90 पे 1 बराबर 90 है, 90 पे 1, 0 पे 0, फिर ये 90, ये 90 का एंगल है, ये कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। एंगल ऐसे नाप रहे हैं, देखो एंगल इनके बीच में नापता है। अभी एंगल कितना? 90। अभी एंगल कितना? 0। फिर कितना इधर? 90। फिर कितना इधर? 180। नीचे 180 पे भी 0 होता है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ये देखो याद रखो। अगला मिटा दे, मिटा दे ऊपर से एक दो पॉइंट, दो तो एक पॉइंट और मिटा देना, ठीक है? इसमें बच्चों जो है कांस्टेंट क्या यूज हो रहा है? परमिटिविटी, परमियबिलिटी। याद हो गया? याद हुआ था? वे किसमें परमिटिविटी बोल? बाप रे, उधर नल्ली में कूद रहे बाबा, नल्ली में कूद। अभी पढ़ा, अभी भूल गया। इसमें जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इज परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन नॉट लगता है, ये सब लगता है, बराबर है? और ये क्या होगा? कॉन्स्टेंट इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। अब इसको कोई कोई बच्चे भूल जा रहे हैं, बहुत कम मेमोरी के हैं, तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दें, जैसे हम याद रखते हैं। देखो बचपन में तुम एक एक्सपेरिमेंट किया होगे कि यहाँ चुंबक रखो, यहाँ लोहा चिपक जाता है, आर पार चिपकता है भाई, कॉपी में, बुक में, कहीं भी ऊपर मैग्नेट रखो नीचे चिपक जाता है। यानी हमारे हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड एक चीज से दूसरी चीज के पार में लग जाती है, आर पार लग जाती है ना भाई, तो उस आर पार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। परमिएबल वर्ड सुने हो? आर पार। सेमी परमिएबल नहीं सुने क्या? बायोलॉजी पढ़ रहे थे से बड़ा माथे में। तो परमिएबिलिटी आर पार, तो ये परमिएबिलिटी वर्ड मैग्नेट में ही लगेगा। क्लियर हो गया? अब याद रहेगा, मैग्नेट से जुड़ा है वो वर्ड, इसलिए ऐसे हम याद रखते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुमको कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा।
परमिटिविटी परमिएबिलिटी। ओके नोट कर लिए, ऊपर का मिटा दे पॉइंट। चलो तो ऊपर पहला पॉइंट का मिटा देना। पर मीटर स्क्वायर कैसे, तो तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना, फाई फाई पढ़े थे क्या, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस नहीं पढ़े थे गॉस लॉ में, डी फाई इक्वल टू पढ़े थे बार। अच्छा यहां से ई इक्वल टू क्या आएगा, डी फाई बाई डी टी, सॉरी डी एस, फ्लक्स बाई एरिया इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम टू सेम। देखो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर वो सब समझ सकता है जो इलेक्ट्रिक पढ़ गया है, और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जाए और पढ़ ले, रोना आ जाएगा नहीं तो इस चैप्टर में, सेम टू सेम सब कुछ है। अब यहाँ बी आ जाएगा और वहां पे भी डी फाई भी होता है और सेम फॉर्मूला है, फ्लक्स बाई एरिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पे कौन सा फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का यूनिट वेपर होता है, क्या होता है वेपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेपर है, वेपर अपॉन एरिया, एरिया का क्या होता है बताओ, मीटर स्क्वायर, तो क्या यूनिट आ जाएगा, वेपर पर मीटर स्क्वायर, समझा भे? इसका यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज, तो यहां से यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम, एक फॉर्मूला है डीवी बाई डी आर पोटेंशियल अपॉन लेंथ, तो वोल्ट पर मीटर। या तो आप यूनिट रख जाओ या फॉर्मूला हमारे जैसे याद होना चाहिए, तुम्हारा फॉर्मूला याद है तो यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके अच्छा, और एक कुछ बोल रहा था कोई पॉइंट बच्चा, क्या बोल रहा था रे, तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मीडियम में बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मीडियम में, हिंदी दिखने से शर्माई नहीं, दूसरे मीडियम में बढ़ता है क्यों क्यों, क्योंकि म्यू नॉट इसमें ऊपर है, म्यू आर भी ऊपर ही आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे मीडियम में क्या होता है, घटता है। आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में लिखें, दूसरे मीडियम में जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कोई बता रहा है, एक और सोचो बताओ बच्चों, नहीं सोचो बोलो। वो तो वो हो गया ना, बता दिया हमने, वो लिख दिए हैं, वो हम लिख दिए हैं और तुमको दिखा नहीं होगा, तो लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आई और डीएल के परपेंडिकुलर है, वही था ना, मैग्नेटिक फील्ड आई और डीएल के परपेंडिकुलर है, उसका क्या मतलब है, वही हुआ कि नहीं हुआ। चलो और कोई पॉइंट है किसी के मन में, कोई मन की बात लिख लिया जाए, तो सिमिलैरिटीज लिख लेते हैं, देखो सिमिलैरिटी में बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों के दोनों डिपेंड करता है किस पे, 1 बाय आर स्क्वायर के बराबर, दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करता है, 1 बाय आर स्क्वायर पे, है ना, दोनों के फॉर्मूले में 1 बाय आर स्क्वायर है, तब कौन सा दो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, देखो नलायक लड़की को बोल भी नहीं रही, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड डीवी पढ़े तुमने अभी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, साइन थीटा कौन लिखेंगे काका जी तुम्हारे,
ठीक है, ये दो लॉ है, दोनों में देखो 1/r² है। दूसरा, दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब बहुत दूर तक लगता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज होते हैं। बोथ अप्लाई फोर्स, दोनों में फोर्स लगता है, भले फोर्स का फॉर्मूला अलग है लेकिन फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाती है चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओ गलत बोलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रुके हुए चार्ज पे फोर्स लगाती है और मैग्नेटिक फील्ड चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगाती है। बोथ लॉ आर एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम, मतलब कूलम्स लॉ तब लगेगा जब हर जगह चार्ज सेम रहे, याद रखना। और ये लॉ कब लगेगा, जब हर जगह करंट सेम रहे, दोनों में सेम चाहिए ना हमको, सिमेट्रिकल होना चाहिए। बोथ सोर्सेस आर, सोर्सेस ऑफ बोथ फील्ड्स आर लीनियर, मतलब समझो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें भी क्यू का पावर 1 है, चार्ज जो सोर्स है चार्ज उसका पावर 1 है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें सोर्स है आईडीएल तो उसका भी पावर कितना है बच्चों, 1 ही है ना। 1 पावर को क्या बोलते हो, लीनियर इक्वालिटी बोलते हो, लीनियर बोलते हैं। दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म, दोनों वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर, डायरेक्शन भले अलग है लेकिन है वेक्टर दोनों। क्लियर हो गया? तो बस हम आपको सिमिलरिटी डिफरेंट कंडीशंस, बाप रे बहुत कुछ पढ़ा दिया, ज्यादा पढ़ा दिया नहीं क्या, 12 सवा की कुंडली निकाल दी हम लोग। अब एक छोटा सा चीज हम लोग कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं रे बोल, एब्सोल्यूट, अभी बता दिए थे अक्षर तो याद होना चाहिए, परमिएबिलिटी मैग्नेट में आता है, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू है अभी बताए थे 4π/10⁻⁷, 4π/10⁻⁷ इसको याद है क्या, 8.85, नहीं काम करते हैं, तो एक काम करो इसको ऐसे कर लो म्यू नॉट बाई 4π, 4π से मल्टीप्लाई और 4π से डिवाइड। क्यों सर, क्यों सर, 4π कटेगा जितना ही आएगा ना भाई लड़की, क्यों किया हमने आता पता है क्या, क्योंकि इसका वैल्यू मेरे को इजीली याद है, इसका वैल्यू है 10⁻⁷। अभी बताए थे मुंह बना रही मुर्गे जैसा, देखा म्यू नॉट का फॉर्मूला था, वैल्यू था 4π × 10⁻⁷, तो म्यू नॉट अपॉन 4π का वैल्यू कितना होगा बताओ, 10⁻⁷, याद रखेंगे। आपको 1/4π/ε₀ का वैल्यू याद है क्या, किसी को भी याद होगा 9 × 10⁻⁹, तो अगर हम इसको पलट के वैल्यू पूछे तो 1/ बोलो 1/9 × 10⁻⁹। अब ये नीचे ला लो इसको, 9+7 कितना होता है, 9+7 16। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का स्क्वायर, बिल्कुल। तो वो ये वैल्यू कुछ जाना जाना सा लग रहा है क्या, 3 × 10⁸, किसी भी याद है 3 × 10⁸ किस चीज का वैल्यू, बाप रे बाप कितने बार मिला होगा जिंदगी में, सी स्पीड ऑफ लाइट वो भी नहीं आ रहा बताइए। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 1/c² देख लो, ये रिश्ता है सी लाइट की स्पीड, समझ में आ रहा है क्या, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/c² के बराबर आता है, आता है ना भाई। चलिए तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हाँ c² आएगा, वहां पे c² आएगा, न
9 इंटू 10 का पावर 16 को हम लिख सकते हैं ना, ए 3 इंटू 10 का पावर 8 का स्क्वायर कि नहीं लिख सकते। बस तो वैल्यू तो एकदम याद रहा होगा, बचपन से मिल रहा है तुमको। वायर है, एक हमको निकालना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। हमारे पास गिवन क्या होगा, एक वायर है और इस वायर से कुछ दूरी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो, ये पी पॉइंट है। सामने वाला आया ऐसा प्रपोजल मार के चल दिया, भाई मेरे को निकाल के दो। वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा पॉइंट और लाइन के बीच हमेशा कौन सा दूरी लेते हैं, अगर मैथ के बच्चे हो तो सुने होंगे, कौन सा डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट और एक लाइन के बीच हमेशा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे हम बोले डिस्टेंस ए है तो भाई परपेंडिकुलर लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, वी हैव ए वायर एक्स वाई, वी वांट टू कैलकुलेट करंट कैरी आई, रिक्वायर छूट गया, कैरिंग करंट आई। वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट पी डिस्टेंट, डिस्टेंस कितना है उसका ए। हम डिस्टेंस बोले तो समझना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं लिख दें, बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको चाहिए फ्रॉम वायर, तार से कितना है ए। याद रखो परपेंडिकुलर दूरी दिया है तभी आप निकाल सकते हो, नहीं है तो नहीं निकाल सकते। चलिए तो ये आपको हमने दे दिया, अब आपके पास हथियार के रूप में क्या है, बायो सावर्ट्स लॉ। तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, यूज बायो सावर्ट्स लॉ। तो हमने किसी को बोला ये काम करो, कोई कॉन्ट्रेक्टर को हमने काम दे दिया, मकान बनना है, नक्शा है, डायग्राम है, तो कॉन्ट्रेक्टर क्या करेगा, अपना सामान गिमान लाएगा, चालू करेगा, बल्ली बल्ली लाएगा ही नहीं। तो बायो सावर्ट्स लॉ लगाना है तो हमको इसके लिए जो जो सामान लगती है लाओ। इसके लिए सबसे पहले करंट एलिमेंट लगता है, एक मूर्ख ने यही मान लिया करंट एलिमेंट, अरे पागल वहां क्यों मान रहे हो, कचरा कर रहे हो, दूसरे जगह मानो, पूरे वायर में कहीं भी छोटा टुकड़ा मानना है वही मानोगे, कसम खाया वही घुस आएंगे हम, दूसरे जगह मानो। तो आप यहां पर एक करंट एलिमेंट मान लिए आईडियल। बायो सावर्ट लॉ लगाने क्या क्या शर्त है सुन लो, आईडियल मानना है और फिर इस आईडियल से इस पॉइंट पी को जोड़ना है और इसके बीच का एंगल पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थीटा मान, ठीक है भाई, इतना पता होना चाहिए। और इस दूरी को आर वेक्टर बोलते हैं, ये आर है इसीलिए हम इसको आर ले लिए ए लिए, क्योंकि आर ऑलरेडी बुक कर लिया है बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ के हिसाब से डीबी हम लोग तो निकाल सकते हैं पी पॉइंट पे, इस छोटे वजह से डीबी निकाल सकते हो, कितना डीबी होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये डीबी आप निकाल सकते हो जिसका डायरेक्शन इनवर्ड है। छोटे डीएल के वजह से अब पूरे वायर के वजह से निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब सवाल है इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में, कौन चेंज हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। एक मिनट में आते हैं, तो नोट करें आप तब तक। तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका इंटीग्रेशन करें, डीएल का, तो डीएल का इंटीग्रेशन करके पूरा वायर का लेंथ रख दे, गलत। क्यों, क्योंकि हर डीएल के लिए एंगल अलग अलग है कि नहीं है। तो हमको एक ऐसा वेरिएबल चुनना होगा जो वायर के साथ चेंज हो, वायर की लंबाई के साथ। तो उसके लिए यहां का एंगल चुना गया, ध्यान से सुनेंगे, उसके लिए क्या चुना गया, यहां का एंगल, यहां के एंगल को रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। देखो अब इसको यहां से जोड़ दो और यहां से जोड़ दो, ध्यान समझो बच्चों, ये दोनों को मिला लो। अब देखो यहां पर ये कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लो ये एंगल को सबसे पहले नीचे मान लो थीटा वन या फाई वन, क्या मान लो नीचे के एंगल को फाई वन, याद रखो नीचे एंगल फाई वन और ऊपर का एंगल क्या है फाई टू। देखो एक एंगल क्लॉक है तो एक एंगल एंटी क्लॉक है, ध्यान दो इस बात को, एक एंगल ऐसा तो एक एंगल ऐसा,
और हर एंगल कहां से नापे हमने, ये बीच वाले लाइन से। ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना आपको, ठीक है। और अब हम इसी एंगल के लिए इंटीग्रेट करेंगे, देखो कैसे कैसे कैसे। ये देखो ये एंगल चेंज होगा तो वायर की लंबाई चेंज होगी कि नहीं, देखो तुम ये देखो। और छोटा वायर करेंगे तो एंगल भी छोटा, बड़ा तो बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आप क्या करो, एंगल के लिए इंटीग्रेट करने के लिए यहां पर इसको फाई मान के सब थीटा वाले टर्म को फाई में ले जाओ। सब थीटा वाले टर्म को काय में ट्रांसफर करो, फाई में करो। कोई बोला क्यों करो सर, अरे यार इंटीग्रेशन फाई के लिए करना है तो सब फाई में होना चाहिए ना, थीटा कहां से होना चाहिए। चलिए तो वही तैयारी करनी है अपने को, और इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को, नहीं तो। क्लियर हो गया। हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में। तो इसको हटाते हैं, तो एक काम करो यहां पर कुछ नाम दे दो, ओ ए पी, ठीक है। तो लेट माना गया है कि एंगल ए पी ओ इक्वल टू फाई, ये वाला, और सबको हम फाई में बनाने वाले हैं। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में एक 90 है तो दो दो एंगल प्लस करके कितना आएगा 90, थीटा प्लस फाई कितना होगा 90। तो क्या हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं 90 माइनस फाई, बिल्कुल। इसको यहां पे टक्का दो साइन थीटा, तो कितना लिख देंगे हम उसको, साइन 90 माइनस फाई, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दिए जो भी समझो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। एक वैल्यू निकल गया साइन थीटा का वैल्यू। अब डीएल का चाहिए, तो डीएल छोटा लेंथ है, तो आप एक काम करो इसको इसको यहां तक एल मान लो, क्यों, फिर हम डिफ्रेंशिएट करके डीएल निकाल लेंगे। देखो इन ट्रायंगल एओपी, एओपी ट्रायंगल में फाई के लिए निकालना है, क्योंकि चीज फाई के लिए चाहिए, ये एल है और ए है। फाई के लिए एल है और ए है, ध्यान दो जब। तो एओपी ट्रायंगल ले लो, एओपी एओपी, इसमें आप लगा दो L, L हमको DL चाहिए, DL के लिए हम L लेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो ना ध्यान से, तो L के लिए मतलब ये और ये लेंगे, फाई और A, देखना कौन सा लेंगे, tan, tan फाई, tan फाई, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो L बाय A। तो यहां से आप डिफ्रेंशिएट कर दो या L का वैल्यू निकालो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, L इक्वल टू A tan फाई। आपको डीएल चाहिए, हमको डीएल चाहिए, इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे, देखना ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएट एल विथ रिस्पेक्ट टू फाई, एल का डिफरेंशिएशन फाई में, तो डीएल बाई डी फाई इक्वल टू ए टैन थीटा का डिफरेंशिएशन, कोई बताएगा, सेक स्क्वायर फाई। टैन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, पढ़े हो क्या, पढ़े जिंदगी में कभी tan थीटा का डिफरेंशिएशन। तो यहां से dl का वैल्यू आ गया बच्चों a sec स्क्वायर फाई d फाई, दूसरा वैल्यू निकल गया, क्या बात है। तो ये निकल गया, ये निकल गया, अब r, r की जो r करते हैं, r भी अपने मन से माना हुआ था हमने, तो r भी हटाओ, तो r और a में रिलेशन बताओ, r और a में, ये ठीक फाई में इधर बेस cos, cos cos फाई, सबको हम फाई में ले जा रहे हैं, cos फाई, थीटा क्यों नहीं ले रहे, थीटा हटाना है, फाई में चलो, तो cos फाई क्या होगा, हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस a बाई r, यहां से r निकाल लो, r हो गया a अपॉन cos फाई, a अपॉन cos फाई मतलब a sec फाई, लिख सकते कि नहीं, बस काम जम गया। ये सारे वैल्यू को उठा के फर्स्ट में रख दो, पुट ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, बस सवाल बन गया, यही लंबा काम। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फाई के लिए, कोई बड़ा काम रॉकेट साइंस नहीं है, डी फाई का इंटीग्रेशन बन जाएगा, साइन फाई कॉस फाई आएगा। चलिए सब वैल्यू यहां रखते हैं, देन डीबी कैसा दिखेगा आपका, देखो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई, आई का वैल्यू नहीं है, आई तो कॉन्स्टेंट है, डीएल का वैल्यू है, क्या डीएल का बताओ, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, आई डीएल
साइन थीटा का क्या वैल्यू है बच्चों? एक काम करिए, ऊपर तो नोट कर लियो ना, तुम लोग मिटा दें, ये भी नोट कर लियो। तो पुट वैल्यूज इन फर्स्ट, फर्स्ट में यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, तो डीबी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई। डीएल के जगह क्या लेंगे हम लोग बच्चों? डीएल के जगह लेंगे ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई होगा। देखो डी थीटा कहां से आ गया, डी फाई आई डी एल। साइन थीटा, साइन थीटा की जगह आ जाएगा कॉस फाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, सही है? आर स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर होगा तो आएगा ऐसा, एक ए से एक ए काट दो और सेक से सेक काट दो, क्या बच गया देखो तो डी बी म्यू नॉट बाई फोर पाई आई इंटू कॉस फाई और डी फाई अपॉन ए। चलिए अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? बी। तो बी कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन करेंगे किसका? डीबी का। क्लियर है? डीबी का करेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान दो, ये मिटा देना। तो डीबी का इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए कॉस फाई डी फाई। तो ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर ले लो बस, इसको अंदर छोड़ो। ध्यान से समझना, बस हो गया। अब तुमको पता होगा फिजिक्स में सारे इंटीग्रेशन लिमिट वाले होते हैं, डिफिनिट। तो अब देखो फाई का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, फाई वन से फाई टू। फिर से देखो सारा एंगल यहां से नापे, देखना टुक 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 दोनों तरफ, याद रखो इससे नीचे भी नापना, इससे ऊपर भी, इससे नीचे भी, इससे ऊपर भी, नीचे ऊपर। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है, कैसे नापा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये फाई वन एंटी क्लॉकवाइज है, फाई टू क्या है? क्लॉकवाइज। तो माइनस साइन लेना होगा, फाई वन प्लस में लेना पड़ेगा, जब फाई वन माइनस में ले लो और फाई टू प्लस में, वो नीचे है तो ठीक है, वो नीचे है ना, तो उसको माइनस में ले लो और वो ऊपर है प्लस में। क्लियर हो गया? अब चलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, कोई बच्चा भी बता देगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, साइन की माइनस साइन, साइन इंटीग्रेशन है ना, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। तो साइन फाई हो गया, लिमिट होगा माइनस फाई वन से फाई टू। रखो पहले अपर लिमिट रखते हैं, पहले ऊपर वाला वैल्यू यानी साइन फाई टू, फिर माइनस नीचे वाला माइनस साइन माइनस फाई वन, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। इसको पहले लिख लिए, इसको याद कर जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ध्यान रखना है दो बातें, माइंड इट, देखो यहां पर हम लिख रहे हैं माइंड इट, दिमाग में रखें कि पॉइंट की दूरी, पॉइंट की दूरी परपेंडिकुलर है, पहली बात पॉइंट परपेंडिकुलर दूरी पे है, एंगल एंगल उस पॉइंट से ऊपर और नीचे लेना है, ऊपर और नीचे लेना है, समझा? ऊपर एक एंगल लेना है और एक एंगल नीचे लेना है, और कुछ ध्यान रखना है क्या अपने को? नहीं, बस ये वायर का जो दो सिरा है वहां से एक एंगल, यहां से एक एंगल। साइन प्लस माइनस लेना है? नहीं, ऑलरेडी हम डेरिवेशन में ले लिए, बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लस।